हेलो दोस्तों, ये है टीवीएस जुपिटर BS6 और ये है होंडा एक्टिवा 125 BS6। आज मैं आपको दोनों गाड़ियों का पूरा डिटेल कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। अगर आप भी इस दोनों में से कोई भी एक गाड़ी लेना चाहते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि कौन सा गाड़ी लेना चाहिए और कौन सा गाड़ी नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है BS6 TVS जुपिटर वाला वेरियंट में आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरियंट मिलता है, वो है क्लासिक वाला। और होंडा एक्टिवा 125 BS6 में यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट मिलता है, डिस, एलोए और ड्रम। तो मैंने यहाँ पे एलोए वाला वेरिएंट चूज़ किया क्योंकि एलोए वाला वेरिएंट में आपको डिस नहीं मिलता दोनों चक्के में, और TVS जुपिटर में भी क्लासिक वाला वेरिएंट में आपको दोनों चक्के में डिस नहीं मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर TVS जुपिटर BS6 का ऑन रोड प्राइस दिल्ली में 84,076 रुपया और एक्टिवा 125 BS6 का ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में 82,617 रुपया। और अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे TVS जुपिटर में लगा हुआ है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक OHC BS6 इंजन, और एक्टिवा 125 BS6 में लगा हुआ है फैन कूल 4 स्ट्रोक BS6 इंजन। और दोनों गाड़ी की अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो CC होता है वो है TVS में लगा हुआ है 109.7 CC की इंजन, और एक्टिवा में लगा हुआ है 124 CC की इंजन। दोनों ही गाड़ी आपको सिंगल सिलेंडर में मिल जाएंगे। यहाँ पे जो मैक्स पावर की अगर बात करें तो TVS में मैक्स पावर जो है वो है 7.99 PS एंड 7,500 RPM, और होंडा में जो लगा हुआ है वो है 8.29 PS एंड 6,500 RPM। TVS में जो मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो है 8.4 Nm एंड 5,500 RPM, और होंडा में जो मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो है 10.3 Nm एंड 5,000 RPM। दोनों ही गाड़ी सामने और पीछे दोनों गाड़ी में आपको ड्रम मिल जाएंगे, मतलब ब्रेक की बात कर रहा हूँ, ब्रेक आपको ड्रम मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक की बात करें, दोनों गाड़ी में फ्यूल टैंक सेम है, 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक दोनों गाड़ी में मिल जाएंगे। TVS जुपिटर में अभी इसका डिटेल सामने नहीं आया, लेकिन जो एक्टिवा में है वो 5.3 लीटर आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाएगा। फ्यूल टैंक की उतना पकड़ नहीं है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे दोनों गाड़ी में आपको कूलिंग सिस्टम जो है वो एयर कूल कूलिंग सिस्टम मिल जाएंगे। दोनों गाड़ी में आपको कीक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों मिल जाएंगे। फ्यूल सप्लाई की बात करें तो दोनों गाड़ी में दोस्तों आपको यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन दिया जा रहा है। दोनों गाड़ियों में आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मिलेंगे। नॉर्मली गियर बॉक्स आपको तो पता है कि इसमें CVT गियर बॉक्स दिया जाता है दोनों गाड़ियों में। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इस दोनों में से कोई एक गाड़ी लेना चाहते हो तो यहाँ पे होंडा एक्टिवा 125 BS6 ही बेस्ट है। आप चाहो तो ये TVS भी ले सकते हो, अभी आपकी मर्जी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।